नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ। रेप पीड़िता द्वारा मुकदमे में सुलह न लगाने पर असंदरा थाना अध्यक्ष पर अभद्रता व फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का आरोप। जी हां, बड़ी खबर जनपद बाराबंकी से है। थाना असंदरा क्षेत्र के नगर पंचायत सिद्धौर निवासी रेप पीड़िता को मुकदमे में सुलह के लिए असंदरा पुलिस व पूर्व चेयरमैन द्वारा सिद्धौर चौकी पर बुला बुला कर दबाव बनाया जा रहा है। इसका विरोध करने पर असंदरा थाना अध्यक्ष पर अभद्रता करने व फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देने का आरोप है। पीड़िता व उसके पति ने मंगलवार को इसकी शिकायत एसपी से कर कार्रवाई की मांग की है और जांच अन्य विभागीय उच्च अधिकारियों से करने की भी मांग की है, क्योंकि पीड़िता का आरोप है कि मुकदमे के विवेचक के संरक्षण में आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार घर छोड़ने पर मजबूर है। असंदरा पुलिस की इस कार्यशैली से क्षेत्र में जंगल राज कायम है, लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बताते चले कि 28 वर्षीय विवाहित पीड़िता का कहना है कि उसके पति की गैर मौजूदगी में उसके संबंध देवर से हो गए थे। देवर ने शादी का झांसा देकर करीब 2 वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाया। इतना ही नहीं, पीड़िता को 5 माह का गर्भ ठहर गया। आरोपी देवर मोहम्मद अल्ताफ, पिता हारून, भाई अशफाक व भाभी समीम बानो ने एक निजी अस्पताल में गर्भपात कराया। इसकी शिकायत पर असंदरा पुलिस ने 13 जून को उक्त आरोपी पर धारा 420, 376, 313, 504 व 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई। लेकिन पीड़िता व उसके पति का आरोप है कि थाना अध्यक्ष ध्यानेंद्र प्रताप सिंह सिद्धौर चौकी परिसर पर बुलाकर उक्त आरोपियों की पूर्व चेयरमैन हाकिम अली बादशाह के साथ गांठ से मुकदमे में सुलह लगाने का भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता को बार बार चौकी पर बुलाने से वह मानसिक रूप से परेशान है, क्योंकि थाना अध्यक्ष व विवेचक के कहने पर सुलह न करने पर अभद्रता करने व फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भेजने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स व डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह समेत सीएम, डीआईजी, महिला आयोग, आईजी आदि को पत्र भेजकर शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि विवेचक के संरक्षण में आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उसके पति व बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पीड़िता को बोली बोलकर बेइज्जत किया जा रहा है, समाज में उसकी छवि धूमिल हो रही है, जिसकी अन्य उच्च अधिकारियों से जांच न कराकर आरोपियों को जेल न जाने से परिवार घर छोड़ने पर मजबूर है, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली से क्षेत्र में जंगल राज कायम है। अब देखना यह होगा कि बाराबंकी जनपद के तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर पीड़िता को न्याय दे पाते हैं या फिर पीड़िता दर दर भटकने के लिए मजबूर रहती है। देखिए बाराबंकी से डीएस न्यूज के लिए दिनेश कुमार वर्मा की ये खास रिपोर्ट।